हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 31 मार्च 2023 के लिए। चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं यूपीएल में सबसे पहले आज के दिन किया हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन 1.01% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। 707.40 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो है नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका मंडे के लिए यहाँ पे फ्राइडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जो है स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे वेनेसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे फ्राइडे को क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम हमें जरूर देखने वाला। कैंडल एक स्मॉल टू मीडियम साइज की बनी, ऊपर के साइड में छोटी सी और नीचे के साइड में बड़ी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई अगर मैं बात करूँ 47-48 के आसपास आ चुका है। एकदम अभी भी जो स्लाइट जरूर पॉजिटिव का लेकिन एक तरह से न्यूट्रल सा इशारा दे रहा है। इसकी वजह से मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में अभी भी मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड। अभी भी स्टॉक में डाउन साइड 705 के आसपास देखने मिलेगा। उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो 696 तक इजीली आते स्टॉक देखने मिल सकता है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड भी अभी भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके इंट्राडे में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। कल ही के दिन स्टॉक का हमने एनालाइज किया था तो वहां पे हमने जो है आपको कहा था कि स्टॉक नेगेटिव रहेगा, तो कुछ इस तरह से हमें नेगेटिव देखने भी मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चले कि किस तरह का हम जो एनालाइज करते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के भी क्या लेवल्स है वो उस वीडियो में हमने आपको बताया, तो जरूर अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को देख ही ले ताकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म लेवल्स और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है बाइंग करने के लिए वो आपको पता चले और उस बेसिस पे आप जो अपना ट्रेड ले सके। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं हमें क्या देखने मिलने वाला है फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसा जो यहाँ पे मार्क्ड है तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो 709 के आसपास क्लोजिंग है। 706.95 का डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस 710.55 का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक फ्राइडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जो अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्रा डे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्रा डे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूं। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 703.85 का, उसके बाद क्या था 700.25 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 714.15 का, उसके बाद क्या था 717.25 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे फ्राइडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में फ्राइडे के यहाँ पे वेनेसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे फ्राइडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट के बाद नेगेटिव साइड का है। ओवरऑल यहाँ पे 710.55 से 704.15 तक जो है हमें स्टॉक आते हुए देखने मिला है, लेकिन एक नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में थोड़ी सी स्लाइट नेगेटिव में हमें जो है क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है मंडे के दिन। आपको क्या लगता है यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।